म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा वैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बट एक्चुअली में म्यूचुअल फंड्स होता क्या है किसी किसी को पता होगा। वैसे ही यूट्यूब से कितने किसने कमाए हैं वो सब आपको बताया होगा, बट किसने कितने लगाए हैं शायद किसी किसी ने बताया होगा। तो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज जेसन की हालचाल, सत श्री अकाल। आज वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी तक मैं कितने रुपए लगा चुका हूँ यूट्यूब टू मेक गुड वीडियोस फॉर यू। अभी इस मोमेंट पे मुझे लगता है कि मैं 8 से 10 लाख रुपए लगा चुका हूँ यूट्यूब पे, बट बने रहना पूरी वीडियो खत्म होने तक, क्योंकि अभी हम लोग बैठ के करेंगे कैलकुलेशन, ब्रेकअप निकालेंगे कि कितने कितने रुपए मैंने कहाँ कहाँ लगाए। इससे पहले कि आप लोग भी कॉपी पेन उठा के हिसाब करना शुरू कर दो, मैं आपको बता दूं, मेरे लिए ना ये एक्सपेंस नहीं था, एक्सपेंडिचर नहीं था, ये थी सही जगह में सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट से याद आया कि आप लोग करते हो इन्वेस्टमेंट सही जगह। अब अगर बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की, तो लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, मतलब FD में डाल देते हैं, 7-8% का इंटरेस्ट मिल जाता है, या डाल देते हैं स्टॉक मार्केट में, या खरीद लेते हैं गोल्ड, बट बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं। और मैं रेकमेंड करता हूँ कि थोड़े थोड़े पैसे थ्रू मंथली SIPs आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो इन म्यूचुअल फंड्स। रीजन आपको बताता हूँ क्यों। देखो, थोड़ा सा रिस्क है बट इंटरेस्ट ज़्यादा है। लेट से आपको FD में मिलता है 7-8%, वेयर एज म्यूचुअल फंड्स में सही जगह पे सही टाइम पे इन्वेस्ट करके यू कैन गेट अ रिटर्न ऑफ 15-25%। एज अ लेमैन, जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक स्पेशल टाइप ऑफ फंड्स होते हैं, बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो हमारे बिहाफ पे हमारा पैसा, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है अपनी समझ से, कि कौन सा सेक्टर बूम करेगा, कहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो जब प्रॉफिट आता है वो थोड़ा सा मार्जिन अपने पास में रखते हैं और बाकी का प्रॉफिट आपको दे देते हैं। सो काइंड ऑफ अ विन-विन सिचुएशन है। मुझे पता है आजकल के लाइफस्टाइल में हर कोई 5 से 10 हज़ार रुपये ना बाहर के खाने पे उड़ा देता है, तो मैं रेकमेंड करता हूँ यार, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अपने सपनों के लिए एटलीस्ट 2 से 5 हज़ार रुपये मंथली शुरू करो इन्वेस्ट करना इन म्यूचुअल फंड्स। एंड इफ यू आर रियली विलिंग टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, लेट मी सजेस्ट यू एप्लीकेशन जिसका नाम है क्वेरा, अभी आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो। इट्स वेरी सिंपल, फ्री टू यूज, फ्री टू डाउनलोड, तो लिंक छोड़ूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको डाउनलोड करो, खुद से एक बार इसको यूज करके देखो। इनिशियली अकाउंट बनाने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, बैंक को लिंक कराना पड़ेगा, देन यू कैन डिसाइड कि आपने कहाँ पे कितने रुपए इन्वेस्ट करने हैं। लेट्स से एक और ऑप्शन है एप्लीकेशन के अंदर, यू कैन सेट योर गोल। लेट्स से आपका गोल है एक बाइक लेना, आपने स्टडीज करनी है, इंटरनेशनल जाना है, सो आपको उसके लिए कितने रुपए चाहिए, तो आप एक बार उसमें फीड कर दो तो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली बता देता है कि आपको एटलीस्ट इतने रुपए मंथली जोड़ने पड़ेंगे इतने टाइम तक, सो दैट आपका जो सपना है वो पूरा हो जाए। सो अगेन बोल रहा हूँ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लो, एक बार एप्लीकेशन यूज करो, इट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू द म्यूचुअल फंड्स, यू गोना लव इट। सो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जो वीडियो आप देखने आए हो कि कितने पैसे मैंने लगाए हैं यूट्यूब पे एज अ इन्वेस्टमेंट टू मेक गुड वीडियोस। तो लेट मी टेल यू गाइस, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी अराउंड 2016 के एंड में, तो कह सकते हो अभी ऑलमोस्ट मेरा तीसरा साल है यूट्यूब के ऊपर। सबसे पहले मैंने इन्वेस्ट किया था SJKM 5 और 6 में, तो 2 एक्शन कैमरास मैंने खरीदे थे, प्राइस आ रहा है अभी लेफ्ट साइड में, आपका राइट हो सकता है, नॉट वेरी श्योर, बट जहां भी आ रहा है इस तरफ में आपको प्राइस दिख जाएगा। तो क्या हुआ कि मैंने वीडियोस डालने शुरू करे संडे राइट के, उसी से ही मैं व्लॉग करता था, उसी से मोटो व्लॉग करता था। तो जून के आसपास मैंने क्रॉस कर लिए 1 लाख सब्सक्राइबर्स, तो मुझे लगा कि यार अब तो ना इस चीज को सीरियस लेना चाहिए, मुझे सही इक्विपमेंट्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने फैसला लिया कैनन 200D लेने का, क्योंकि उस टाइम पे नया नया लॉन्च हुआ था, बहुत सारे फीचर्स इसके 80D से मैच करते थे। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो इतने का मैंने खरीदा DSLR विद किट लेंस, उसके साथ मैंने एडिशनली खरीदा एक वाइड एंगल लेंस एंड जो भी गोरिल्ला पॉड, साथ में रोड का माइक, एडिशनल बैटरी एंड बैग। सो ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद में इंटरनेशनल मार्केट में SJKM 7 लॉन्च हो चुका था, तो मैंने अपने लिए वो भी मंगवा लिया। SJKM 8 Pro आया तो मैंने अपने लिए वो भी मंगवा लिया, मेरे को लगा मोटो ब्लॉगिंग इम्प्रूव होगी, बट अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा आउटकम नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा इन्वेस्ट करने का GoPro के अंदर, तो मैंने खरीदा GoPro Hero 6 पहले, फिर दूसरा, फिर GoPro Hero 7, तो सारी कॉस्टिंग आपको अभी यहाँ पे दिख रही होगी। फिर आ गई बारी FewTech के गिम्बल की, तो गिम्बल मैंने लिया अपने मोबाइल के लिए, वैसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाया क्योंकि एक मीटअप पे चोरी हो गया था, लंबी कहानी है, किसी और दिन सुनाएंगे। फिर मुझे लगा कि जिस सिस्टम पे हम लोग वीडियो एडिट करते ना, इसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। पहले मैंने सोचा कि मेरे पास है विंडोज का डेस्कटॉप, इसको थोड़ा सा हाईफाई कर देते हैं, लाइक i5 i7 ले लेते हैं, बट बाद में मैंने डिसाइड किया कि यार मैं अपने लिए लेता हूँ एक मैकबुक प्रो। अच्छी बात है, मेरे को एक डील मिल गई थी, तो मेरे को इतने का पड़ा मैकबुक प्रो जिससे मेरा एडिटिंग का काम ठीक ठाक चल रहा था, बट कहीं ना कहीं मुझे चाहिए थी बिग स्क्रीन और ये एक सपना था एक टाइम पे, तो मुझे लगा इसको ले लेते हैं, एडिटिंग में काम भी आएगा। तो मैंने स्पेंड की ऑलमोस्ट 1,70,000 रुपीज ऑन दिस iMac।
साथ ही इसके अंदर जो रैम था वो था 8 GB, तो उसको भी मैंने अपग्रेड कराया बाय स्पेंडिंग अनदर 15,000 rupees ऑन 32 GB रैम। तो अभी इसके अंदर है टोटल 40 GB ऑफ रैम। फिर नेक्स्ट बारी आ गई इस कैमरा को खरीदने का, क्योंकि मैं जा रहा था भूटान, मुझे चाहिए थी अच्छी सी फोटोज वीडियोज, तो मैंने इन्वेस्ट किया इस सोनी वाले कैमरा पे, जिसका मॉडल बताएंगे खन्ना जी, सोनी A7R3। तो ये पड़ा हमें लगभग 3 लाख रुपए का, और इन बिटवीन मैंने खरीदा था एक Insta360, उसकी भी कॉस्टिंग अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो लमसम 50,000 पे हम कुछ और चीजों का भी यहाँ जोड़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको काउंट करना मुश्किल है, जैसे हमारे GoPros के अटैचमेंट्स हैं, लैपल माइक्स हैं, ये लाइट्स हैं, और बहुत सारी और चीजें हैं। सो अभी एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने कितना इन्वेस्ट किया यूट्यूब के ऊपर। एंड बिलीव मी, अभी हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ खत्म नहीं हुई, बहुत सारी विशलिस्ट में चीजें, अभी बहुत सारी चीजें और लेनी है। इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ गुड वीडियो वी हैव टू अपग्रेड द माइक, ऑडियो माइक, we have to buy some more lenses for this camera body, Sony A7R3। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, और शायद ऐसा हो सकता है वीडियो खत्म होते होते तक भी हम कुछ चीजें आज खरीदने चले जाएं। सो निकल चुके हैं ऑफिस से थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट गाइस पता लगा बाहर लग रहा है जाम, ऊपर से हो गई है शाम, बट कोई बात नहीं, जाना है तो जाना है, नया सामान लेके आना है, इसीलिए हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं टूवर्ड्स लाजपत नगर। कुछ चीज़ें हैं माइंड में जो शॉर्टलिस्ट कर रखी हैं, कुछ चीज़ें वहाँ जाके देखेंगे, जो भी हमारे इक्विपमेंट के हिसाब से, मतलब कि वीडियोग्राफी के हिसाब से काम आएंगी वो हम आज ले आएंगे। साथ ही हम अपने महंगे वाला कैमरा लेके जा रहे हैं, कौन सा खाना जी, Sony A7R3 का फर्मवेयर अपग्रेड आया हुआ है, तो वो भी करवा लेंगे, क्योंकि हम वहीं जा रहे हैं जहाँ से हमने इसको परचेज किया था। एप्पल देख के याद आया कि कल जब ये वीडियो आ रहा है शायद एप्पल नया वाला एप्पल की अनाउंसमेंट हो जाएगी, राइट। एनीवेज बातें करते करते हम लोग पहुंच गए हैं लाजपत नगर में, नाउ वी आर जस्ट लोकेटिंग दैट शॉप जहां पे हमें जाना है, एंड वी हैव टू फाइंड अ गुड पार्किंग फॉर दिस बेबी। तो चलो जी, शॉप भी हमें मिल गई है और पार्किंग भी हम ढूंढ ही लेंगे। यू हैव टू बिलीव मी गाइस, अभी 9:15 हो रहे हैं, हम लेने क्या आए थे, लेके क्या क्या जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 घंटे हमने यहाँ पे स्पेंड किए हैं, और साथ में स्पेंड किए ऑलमोस्ट 73 उल्टा बोल दिया, मतलब 73,000 rupees। एग्जैक्टली क्या क्या लिया है आपको दिखाएंगे ऑफिस जाके, और फिलहाल तो हम लोग घर जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया, तो ये वाला वीडियो कंटिन्यू करेंगे कल सुबह। नई दिन नई शुरुआत, तो बोलो क्या बात क्या बात क्या बात। सो गाइस, इट्स अ ब्रांड न्यू डे विद ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स, तो अभी इनको भी हम आपको दिखाएंगे, एक एक करके अनबॉक्स करेंगे, बट सबसे पहले मैं अनबॉक्स करना चाहूंगा इसको। ये है मेरी नई इन्वेस्टमेंट, लाइक अराउंड 45,000 rupees आई हैव स्पेंड ऑन दिस सोनी का 1.8 85mm लेंस फॉर माय महंगे वाला कैमरा। अब इसका मॉडल अगेन खन्ना जी बताएंगे, Sony A7R3। यस, तो फटाफट इसको खोल लेते हैं, उसके बाद बाकी का जो वीडियो ना इस वाले लेंस के साथ शूट करते हैं, आपको डिफरेंस समझ में आएगा, बट आई एम श्योर असली आउटपुट इसका देखना होगा ना, तो आउटडोर में शूट करना पड़ेगा। अब आप बताओ आपको डिफरेंस क्या समझ आ रहा है, ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको जो साउंड है ना वो इको के आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत डिस्टेंस पे बैठा हूँ, बट वीडियो में बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है, पीछे में चीजें थोड़ी सी आपको ब्लर नजर आ रही है, तो ये जादू है 85mm का, और असली जादू ये करता है आउटडोर्स में। नो वरीज, फिलहाल के लिए कुछ चीजें और आपको दिखा देता हूँ। आपको पता है अगर प्रीवियस आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, मेरा जो जॉबी का ट्राइपॉड था 3K था वो टूट गया था, अभी मैंने अपने लिए खरीदा है 5K जो मुझे पड़ा है लगभग 9,500 रुपए का। साथ ही वैनगार्ड का हैवी ड्यूटी ट्राइपॉड जो मुझे पड़ा है 14,500 रुपए का, बहुत ही हैवी ड्यूटी है, इसकी भी करेंगे थोड़ी देर में अनबॉक्सिंग। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने खरीदी एक रिंग लाइट। दिस इज द रिंग लाइट, दिस इज द मैजिक ऑफ रिंग लाइट। एक्चुअली आपको इधर उधर की किसी और लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, इससे आपकी एक अच्छी वीडियो निकल सकती है। वैसे आपको बता दूं इसके ऊपर मैंने खर्चे हैं सिर्फ 4,000 रुपए, दिस इज जस्ट प्लग एंड प्ले, अदरवाइज इसके अंदर बैटरी भी लग जाती है, अगर मैं 1500 रुपए की एडिशनल पोर्टेबल रिचार्जेबल बैटरीज ले लेता तो मैं इसको आउटडोर में भी यूज कर सकता हूँ। नाउ यू आर वॉचिंग मी बैक फ्रॉम द किट लेंस, आप मुझे ये बताना आपको 85mm कैसा लगा और कैसी लगी हमारी ये इन्वेस्टमेंट। वैसे आपको बता दूं, दिल छोटा ना करो, मतलब आप कुछ भी छोटे मोटे इक्विपमेंट से भी ना अच्छी वीडियोस बना के सक्सेस अचीव कर सकते हो। जस्ट लाइक इन माय केस, मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर्स अचीव कर लिए थे सिर्फ एक 8,000 रुपए के एक्शन कैमरा से। सो देयर इज नो लिमिट, ऑलवेज टेक थिंग्स एज मोटिवेशन। जिस बंदे के पास 2 साल पहले सिर्फ 8,000 रुपए तक का बजट था, वो आज 8-10 लाख रुपए खर्च के वीडियोस बना रहा है,
एंड गाइस देयर इज नो लिमिट, मतलब अगर मेरे पास और पैसे आएंगे तो आई विल डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस बिकॉज नाउ इट्स माय हॉबी, इट्स माय लव, इट्स माय पैशन। और अगर आप कुछ भी काम ऐसा कर रहे हो जो आपकी हॉबी है या जिससे आप प्यार करते हो ना, आपको वो काम काम नहीं लगता। इसी नोट पे करेंगे वीडियो क्लोज, बट एक बार आपको फिर से रिमाइंड कराऊंगा, थोड़े से पैसे जोड़ो, सही जगह इन्वेस्ट करो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन डाउनलोड करो कुएरा। साथ ही जितने प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए इन सब के लिंक्स मैं छोड़ने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लो। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगा तो निश्चिंत होकर खरीद डालो। अभी के लिए करते हैं वीडियो क्लोज, मेहनत मेरी, रहमत उसकी और प्यार आप सभी का। बाय बाय। एक मिनट फटाफट कैलकुलेट करके ना एंड में डाल देता हूँ मैं जरा। कितना बैठा कैलकुलेशन भाई? 9,30,000 रुपए मोटा मोटा। ड्रोन के पैसे लगा दिए इसमें? नहीं, अभी ड्रोन के भी नहीं लगाए। बस लाख रुपए भाई, सुपर बाइक आ जाएगी एक और। क्या कह रहे हो खन्ना जी, मतलब 9.5 लाख रुपए में मैं अपना सपना पूरा कर लेता था माइटी ZX10R लेने का? अपना सपना मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। वैसे ये वीडियो मैंने शौक के लिए नहीं बनाई थी, डिस्क्लेमर।